हेलो फ्रेंड्स, ये क्वांटम मैकेनिक्स का थर्ड लेक्चर है और पिछले दो लेक्चर्स में मैंने आपको काफ़ी कुछ समझा दिया है। आपको अगर प्रॉपरली इस लेक्चर को समझना है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि पहले आप फर्स्ट लेक्चर फिर सेकंड लेक्चर देखें, उसकी कंटिन्यूटी में ही ये लेक्चर चल रहा है। तो फ्रेंड्स, आपके सेकंड लेक्चर का जो रिजल्ट निकला है, एक तो ये निकला है कि अगर किसी पार्टिकल के साथ लेस नंबर ऑफ वेव एसोशिएट है, अब ये तो पता है कि पार्टिकल के साथ मोनोक्रोमेटिक वेव तो एसोशिएट नहीं है, ठीक है, और अगर कुछ ज़्यादा नंबर ऑफ वेव एसोशिएटेड है, एक से ज़्यादा नंबर ऑफ वेव एसोशिएटेड है, उसमें भी अगर मान लिया, ऐसा भी तो हो सकता है लेस नंबर और लार्ज नंबर। तो हमने ये प्रूव किया था पिछली बार कि अगर लेस नंबर ऑफ वेव एसोशिएट रहती है तब उस कंडीशन में जो आपका वेव पैकेट होता है वो ब्रॉड होता है, दैट मीन्स कि उसमें पोजिशन की अनसर्टेनिटी ज़्यादा होती है, और जब लेस नंबर ऑफ वेव लार्ज नंबर ऑफ वेव एसोशिएट रहती है तब आपका कॉम्पैक्ट हो जाता है ये वेव पैकेट और पोजिशन की अनसर्टेनिटी धीरे धीरे कम होती चली जाती है। अनसर्टेनिटी मीन्स कि पार्टिकल जिस रीजन में मिल सकता है, आपको ये तो पता है कि प्रोबेबिलिटी धीरे धीरे करके लास्ट में जाके एंड ऑफ द डायमेंशन खत्म होती चली जाती है। तो पिछला लेक्चर आपको प्लीज़ ज़रूर देखना है, उससे ही आपको पता लग पाएगा मैं किस बारे में डिस्कशन कर रही हूँ। और हमने रिजल्ट निकाला था कि डेल्टा के एंड डेल्टा एक्स ये दोनों मैक्सिमम पॉसिबिलिटी से जहाँ मिल सकते हैं उसके लिए ये रिलेशन फॉलो होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे करके एम्पलीट्यूड इतना कम हो जाता है कि वहाँ पे हम पार्टिकल की एक्सपेक्टेशन जीरो मान लेते हैं कि वहाँ पे पार्टिकल नहीं मिल सकता है। तो जब इन दोनों की वैल्यू या तो इक्वल टू वन हो या ग्रेटर देन वन हो, ठीक है, तब उस कंडीशन में आपको पार्टिकल मिल सकता है। इससे भी आपको पता चल रहा है कि अगर नंबर ऑफ वेव ज़्यादा होंगी, डेल्टा के अगर लार्ज है, ये क्या बता रहा है कि लार्ज नंबर ऑफ वेव्स, लार्ज नंबर ऑफ वेव्स मतलब पार्टिकल के साथ जो एसोसिएटेड वेव हैं वो बहुत सारी हैं, तब उस कंडीशन में डेल्टा एक्स की वैल्यू कम हो जाएगी। अगर ये ज़्यादा होगी तो ये कम हो जाएगी, और डेल्टा एक्स अगर लेस होगा तब उस कंडीशन में क्या होगा, आपके पार्टिकल तरह का बिहेवियर करेगा मैटर, ठीक है। अनसर्टेनिटी पोजीशन में कम है, दैट मीन्स कि आप काफ़ी अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं कि आपका पार्टिकल कहाँ है। तो पार्टिकल नेचर को डिफाइन करेगा अगर आपकी वेव्स बहुत ज़्यादा हैं। अगर वेव्स बहुत कम हैं तब यानी कि डेल्टा के लेस है, दैट मीन्स ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लेस नंबर ऑफ वेव्स, आप इसे ये भी कह सकते हैं एसोशिएटेड विथ पार्टिकल। अगर डेल्टा के लेस है यानी कम नंबर ऑफ वेव एसोसिएटेड है तब डेल्टा एक्स आपका लार्ज हो जाता है, आपका जो वेव पैकेट है उसका साइज ब्रॉड हो जाता है और आपको पोजीशन में अनसर्टेनिटी ज़्यादा मिलने लगती है, तब आपका जो ये मैटर है वो वेव की तरह बिहेव करता है, ठीक है। दोनों चीज़ समझ में आ गई है। तो यानी कि आपका अगर आप पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड वेव कंसिडर करते हो और उसमें भी कंडीशन ये है कि अगर वो वेव की तरह बिहेव कर रहा है तो उसमें प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, और अगर वो पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है तो वो वेव पैकेट है, तब ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अपने आप से ही आ जाता है कि डेल्टा के इंटू डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन। अब देखिए हमने क्या किया, एच क्रॉस से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें एच क्रॉस से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या बता रहा है फ्रेंड्स, आपको पता है ये एच क्रॉस डेल्टा के इज इक्वल टू मोमेंटम को बताता है, अगर ये एक्स डायरेक्शन में है तो, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा है तो डेल्टा आ जाएगा। देखिए अगर हम वेव लेते हैं ना, आपने वेव मैकेनिक्स जब पढ़ी है तो वेव का पार्टिकल का मोमेंटम तो आपका पी इज इक्वल टू एम वी होता है, लेकिन अगर आपने वेव मैकेनिक्स पढ़ रही है तो वेव का जो मोमेंटम होता है वो एच इंटू के होता है, एच क्रॉस इंटू के होता है। तो फ्रेंड्स अगर वेव कैरेक्टर ले रहे हैं तब हमारा जो मोमेंटम होता है वो एच क्रॉस के इक्वल होता है, तो हमने मोमेंटम ले लिया क्योंकि हमने वेव बिहेवियर ही लिया है, तो यानी कि जो पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड वेव का मोमेंटम है और पोजिशन है इन दोनों की अनसर्टेनिटी कंपेरेबल टू एच क्रॉस के इक्वल होगी, यानी इतनी अनसर्टेनिटी रहती है पार्टिकल और वेव बिहेवियर ऑफ मैटर, ठीक है। अगर पार्टिकल बिहेवियर शो कर रहा है तो वेव अनसर्टेन हो जाएगा, वेव नेचर, अगर वेव बिहेवियर शो कर रहा है तो पार्टिकल नेचर अनसर्टेन हो जाएगा, क्योंकि अगर आप वेव बिहेवियर ले रहे हैं तो प्लेन प्रोग्रेसिव वेव ले रहे हैं जो कि इनफाइनाइट तक एक्सटेंडेड है, अगर ये इनफाइनाइट तक एक्सटेंडेड प्लेन प्रोग्रेसिव वेव है
जो कि बन तो रही है काफी सारी वेव के सुपरपोजिशन से, अगर ये वेव की तरह बिहेव कर रहा है तब आप नहीं बता सकते हैं कि पार्टिकल किस जगह है। और अगर इसे हमने मान लिया कि पार्टिकल वेव पैकेट की तरह से बताया, तो आपने कहा कि हमने पोजीशन तो डिफाइन कर दी है कि यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन इसका वेव कैरेक्टर आपका ख़त्म हो जाएगा। आप नहीं बता सकते कि वेव का मोमेंटम कितना होगा, वेव की वेवलेंथ कितनी होगी, ठीक है, तो इसीलिए आप नहीं डिफाइन कर सकते हैं। तो ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है, और ये भी पता चल गया आपको ये कहाँ से आया है। तो फ्रेंड्स, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, और इस रिलेशन को प्रूव किया गया था दो हाइपोथेटिकल एक्सपेरिमेंट से। एक तो माइक्रोस्कोप से इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करना, तो आपने एक माइक्रोस्कोप लिया, उस माइक्रोस्कोप की हेल्प से एक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को फाइंड आउट करने की कोशिश की। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखना है, तो आपको इसके ऊपर लाइट तो इंसिडेंट करनी पड़ेगी, और लाइट के इंसिडेंट होने से इलेक्ट्रॉन जब के ऊपर जब लाइट पड़ती है तो ये क्या करेगा, इस तरह का कोलिजन होता है जिसे कॉम्प्टन स्कैटरिंग कहते हैं, जिसकी वजह से एक फोटोन, स्कैटर्ड फोटोन किसी भी डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन आपको दिखाई कब देगा, जब ये माइक्रोस्कोप में जाए, ठीक है। हो सकता है ये इधर चला गया, स्कैटर्ड फोटोन जो यहाँ से आया था, आपने एक ही फोटोन दिखाया है अगर, तो इधर चला गया तो दिखाई नहीं देगा, तो आपने थोड़ी सी लाइट ज़्यादा डाली, ठीक है। थोड़ी लाइट ज़्यादा डालोगे तो प्रोबेबिलिटी रहेगी कि कुछ फोटोन स्कैटर होके यहाँ जाएं, तो आपके पास क्या पॉसिबिलिटी है कि फोटोन्स यहाँ से यहाँ एंटर करें। जब फोटोन्स एंटर करेंगे तभी आपकी आई डिटेक्ट कर पाएगी ना कि इसकी पोजीशन क्या है, ठीक है। लेकिन जैसे ही फोटोन इसे स्ट्राइक करते हैं तो ऐसे ही ये रिकॉयल हो जाता है और इस डायरेक्शन में चला जाता है। तो ये आपने कॉम्प्टन इफेक्ट में पढ़ रखा है। तो अब देखिए, माइक्रोस्कोप की जो रिजोल्यूशन पावर होती है उसमें अनसर्टेनिटी डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लैम्डा, जिस वेवलेंथ की आप वेव यूज कर रहे हैं ना इसको डिटेक्ट करने के लिए, अपॉन साइन थीटा। इतनी रिजोल्यूशन पावर में अनसर्टेनिटी रहती है कि हमने इतना नहीं देख पाए। कि हम क्या करते हैं, इस फिगर को थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं जिससे हमें अच्छे से क्लियर हो जाए। ये आपका माइक्रोस्कोप है और यहाँ पे आपका पार्टिकल है, पार्टिकल के ऊपर फोटोन स्ट्राइक किया, ठीक है, हमने यहाँ पे सेंटर में मान लिया, और इस फोटोन की वेवलेंथ लैम्डा थी, और जब ये स्कैटर होके यहाँ एंटर किया या यहाँ से यहाँ एंटर किया, तब उस कंडीशन में आपका ये जो स्कैटर फोटोन है लाइट के ऊपर पड़ेगा और आपको इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन पता चलेगी। माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन पावर से ये तो निकाल पता ही है आपको, लैम्डा अपॉन साइन थीटा की इक्वल होता है, जहां पे लैम्डा जो आप लाइट यूज कर रहे हो उसकी वेवलेंथ है। कभी आप इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ सोच लो कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है उसके साथ एसोसिएटेड वेव, तो ध्यान रखना है हमने लैम्डा वेवलेंथ का फोटोन इंसिडेंट किया है या लाइट इंसिडेंट किए है, तब उस कंडीशन में आपको ये पार्टिकल जो दिखाई देगा उसके मोमेंटम की अगर मैं बात करें तो इनिशियली मोमेंटम पी था, और अगर यहाँ पे स्कैटर होने के बाद चेंज हो गया है मोमेंटम पी प्राइम, और मान लिया ये वाला एंगल जो है थीटा है, इसे तो आप निकाल सकते हैं ना आसानी से, तो ये थीटा एंगल है, तो आप देखेंगे कि ये आपका पी प्राइम साइन थीटा एंड ये पी प्राइम साइन थीटा। कि टोटल चेंज इन मोमेंटम कितना गया अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, इनिशियल मोमेंटम कितना है पी इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा, और जब वो स्कैटर्ड हो गया है तो चेंज इन मोमेंटम कितना होगा एच अपॉन लैम्डा माइनस एच अपॉन लैम्डा साइन थीटा, ठीक है। ये तो इस डायरेक्शन में है, और इस डायरेक्शन में क्योंकि ये एक्चुअली मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसीलिए आपने ये तो एक्स डायरेक्शन में लिया, और माइनस एक्स डायरेक्शन में क्या हो जाएगा एच अपॉन लैम्डा माइनस एच अपॉन लैम्डा साइन थीटा, तो माइनस के साइन के साथ रखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो टोटल चेंज इन मोमेंटम अगर निकालें तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे आप, तो आपके पास फाइनली क्या निकल के आएगा, ये लैम्डा प्राइम है। ध्यान रखना है कि ये पी प्राइम है तो लैम्डा प्राइम, क्योंकि वेवलेंथ बढ़ जाती है, एनर्जी कम हो जाती है और वेवलेंथ बढ़ जाती है उस फोटोन की जो स्कैटर हो रखा है, ठीक है। तो आपका ये लैम्डा डैश है, इन दोनों को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, देखिए ये आपका 2h अपॉन साइन थीटा हुआ, ठीक है, 2h अपॉन लैम्डा डैश, और डेल्टा x इज इक्वल टू दिस,
और डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लैम्डा डैश अपॉन साइन थीटा, ये आपका हो गया रिजोल्यूशन पावर में, यानी कि आपको रिजोल्यूशन पावर होता है दो डिस्टिंक्ट चीजों को दिखने की पावर। तो माइक्रोस्कोप में इतनी एरर रहती है पोजीशन की, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल रहा है, अगर देखो लैम्डा डैश है लैम्डा डैश, साइन थीटा, तो 2h मिल रही है वैल्यू, यानी कि आपको ये हाइपोथेटिकल अरेंजमेंट है जो कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को वेरीफाई करता है कि जब भी कोई पार्टिकल हम किसी माइक्रोस्कोप से देखते हैं तब उसकी पोजीशन और मोमेंटम में 2h के इक्वल लगभग आती है अनसर्टेनिटी। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल तो आपका ये डिफाइन हुआ है ना कि डेल्टा पी एक्स इंटू डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच क्रॉस। ठीक है, तो ये आप मोस्टली जो आप क्वेश्चंस करेंगे उसमें वही फॉर्मूला लगाएंगे, ये तो इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में आपने देखा कि अनसर्टेनिटी होती है, और ये एक्सपेरिमेंट फ्रेंड्स हाइपोथेटिकल है, इसे ध्यान रखना, इसको आप परफॉर्म नहीं कर सकते हैं क्योंकि परफॉर्म करने के लिए आप एक सिंगल इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है, फिर एग्जैक्टली सारी चीजें बिल्कुल मैच करना बहुत मुश्किल है, और इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन किया गया डिफ्रैक्शन मेथड से ही, तो पोजीशन पार्टिकल नेचर के लिए माइक्रोस्कोप से आपने पार्टिकल नेचर डिटेक्ट किया है, इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन किया उससे उसका वेव बिहेवियर देखा और उस वेव बिहेवियर से उसकी वेव लेंथ मतलब मोमेंटम और पोजीशन को देखा गया तब भी अनसर्टेनिटी मिली। तो ये दो हाइपोथेटिकल एक्सपेरिमेंट मैंने पहले क्वांटम मैकेनिक्स से कुछ लेक्चर्स आप सर्च करेंगे तो उसमें मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा आपको, तो वहाँ पे मैंने दोनों ही एक्सपेरिमेंट को अच्छे से डिस्क्राइब कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो अब हम आगे इससे आगे प्रोसीड करते हैं कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल तो वेरीफाई हो चुका था कि हमेशा पोजीशन और मोमेंटम में इतनी अनसर्टेनिटी रहती है, और इसी की हेल्प से आपने देखा कि एनर्जी और टाइम के बीच में भी क्या रहती है, अनसर्टेनिटी रहती है एच क्रॉस के इक्वल। तो इस रिलेशन को आप खुद फाइंड आउट करेंगे क्योंकि E इज इक्वल टू होता है पी स्क्वायर अपॉन 2m, तो आप ऐसे ही इसमें रखेंगे और आपको पता है कि अगर ई एक्स है तो पी एक्स हो जाएगा, तो कुछ रिलेशन रखने के बाद आपको ये मिल जाएगा रिलेशन। तो ये रिलेशन फ्रेंड्स आपको खुद निकालना है, प्रॉब्लम होगी तो फिर से मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना तो मैं इसको भी निकाल के दिखा दूंगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमारी जो वेव पैकेट है उसकी जो वेलोसिटी है वो तो ग्रुप वेलोसिटी है, उसको आपने कैसे डिफाइन किया है, वी जी इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी के से, और जो पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड वेव हैं जो डिफरेंट डिफरेंट वेव हैं उनकी जो वेलोसिटी वी पी होती है वो आपकी ओमेगा अपॉन के से रिप्रेजेंट होती है। अब हम देखेंगे कि हमारा जो वेव पार्टिकल है उसके साथ मोनोक्रोमेटिक वेव क्यों एसोसिएट नहीं होती, ऐसे क्या प्रॉब्लम आती है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि अगर हम कंसिडर करते हैं कि पार्टिकल के साथ मोनोक्रोमेटिक वेव है तो कैसे क्यों नहीं होती है, तो ये प्रूव करके दिखाओ। तो इसको हम प्रूव करने के लिए देखिए क्या लेते हैं, इसको मैं हटा देती हूँ। देखिए अगर हमारा एक पार्टिकल है, ठीक है, इसके साथ हमने मान लिया एक वेव एसोसिएट है प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की एक खास बात होती है कि उसका जो फेज होता है वो कांस्टेंट रहता है, टाइम के साथ चेंज नहीं होता है। तो मान लिया प्लेन प्रोग्रेसिव वेव क्या है, वाई इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, तो ये क्या होता है उसका फ्रेंड्स फेज, और प्लेन प्रोग्रेसिव वेव के फेज क्या होता है, कांस्टेंट। तो दैट मींस कि अगर हम इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो क्या आ जाएगा, के एक्स माइनस ओमेगा इज इक्वल टू जीरो, यानी कि के डी एक्स अपॉन डी टी माइनस ओमेगा इज इक्वल टू जीरो एंड दिस रिप्रेजेंट द वेलोसिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर वेव। ठीक है, तो वीपी किससे निकलता है, ओमेगा अपॉन के से। तो फ्रेंड्स अब हम कंसीडर करते हैं कि हमारा पार्टिकल जो है उसके साथ मान लिया मोनोक्रोमेटिक वेव एसोसिएट है। ठीक है, तो हमें दिखाना है कि मोनोक्रोमेटिक वेव एसोसिएट होगी या नहीं, अगर होगी तो जो वेव की वेलोसिटी फेज वेलोसिटी होगी वो पार्टिकल की वेलोसिटी यू के इक्वल होना चाहिए। अगर पार्टिकल वेलोसिटी यू है फेज वेलोसिटी वी पी है, अगर ये दोनों इक्वल आ जाएंगे तो हम ये कह सकते हैं कॉन्फिडेंटली कि हाँ पार्टिकल जब मोशन में होता है तो उसके साथ एक मोनोक्रोमेटिक वेव एसोसिएट रहती है। अब इसको देखने के लिए आप बताइए कि वी पी फेज वेलोसिटी वी पी इज इक्वल टू किसी भी वेव की जो वेलोसिटी होती है वो आप इज इक्वल टू न्यू इंटू
लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि वेव मैकेनिक्स में आपने पढ़ा हुआ है ना, न्यू यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये सिंपल फ्रीक्वेंसी, कहीं कहीं पे एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं आप। तो आपने बताया कि फेज वेलोसिटी को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और साथ में फेज वेलोसिटी को प्लेन प्रोग्रेसिव वेव है तो ओमेगा अपॉन के से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि ये एक मोनोक्रोमेटिक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव है जिसका फेज टाइम के साथ चेंज नहीं होता, ठीक है। तो Vp इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, और E इज इक्वल टू क्या होता है फ्रेंड्स, E इज इक्वल टू एच न्यू के इक्वल होता है, एनर्जी इतनी होती है, मोमेंटम एच अपॉन लैम्डा होता है। तो यहां से आपने इस वाली इक्वेशन से न्यू की वैल्यू निकाले तो ई अपॉन एच हो जाएगी, और यहां से लैम्डा की वैल्यू निकाले तो एच अपॉन पी हो जाएगा। इन दोनों की वैल्यू जब हम इसमें रखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, तो वीपी कितना हो जाएगा, वीपी इज इक्वल टू ई अपॉन एच इंटू एच अपॉन पी, दैट मीन्स ई अपॉन पी। अब ये आपकी हो गई फेज वेलोसिटी इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। हमने कहा पार्टिकल का मोमेंटम, क्योंकि हमने पार्टिकल ही तो लिया है, उसके साथ ही एसोसिएटेड वेव ली है, हमने कहा पार्टिकल का मोमेंटम p इज इक्वल टू एम वी, क्योंकि आपको पता है जब आप पार्टिकल कंसीडर करते हो तो पार्टिकल के लिए मोमेंटम जो होता है मास इनटू वेलोसिटी से दिया जाता है। तो यहाँ पे आपने कहा कि मान लिया एनर्जी जो है वो आइंस्टीन की रिलेटिविस्टिक एनर्जी एम सी स्क्वायर के इक्वल है, क्योंकि पार्टिकल जब मूव कर रहा होता है तो उसकी वेलोसिटी अगर रिलेटिविस्टिक कंडीशन है, ठीक है, रिलेटिविस्टिक कंडीशन का मतलब है व्हेन वी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन सी, देन ई इज इक्वल टू कितना होता है एम सी स्क्वायर, मास एनर्जी इक्विवेलेंस ला है। और इसके अकॉर्डिंग कोई जरूरी नहीं है कि ये ही कंडीशन हो, जब पार्टिकल की वेलोसिटी इंक्रीज होती है तब उसका मास इंक्रीज होता चला जाता है, जब रिलेटिविस्टिक कंडीशन आती है तो मास बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, तब उस कंडीशन में एनर्जी और एम सी स्क्वायर के बीच में ये रिलेशन है। और अगर रेस्ट मास लें तो मतलब पार्टिकल मोशन में नहीं है तब उसकी जो एनर्जी होती है ये होती है, जैसे ही मोशन में आएगा मास चेंज हो गया बढ़ेगा, और जैसे ही बढ़ेगा तो उसके साथ एसोसिएटेड वेव भी बढ़ जाएगी, एनर्जी भी बढ़ जाएगी। और मैंने आपको रिलेटिविस्ट जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का लेक्चर है उसमें समझाया था कि ये मास बढ़ने से एनर्जी क्यों बढ़ती है, क्योंकि जब आप वेलोसिटी बढ़ाओगे तो कुछ एनर्जी दोगे उसको, काइनेटिक एनर्जी दोगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो जाएगी, तो पार्टिकल की कंबाइंड एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी। यानी अगर पार्टिकल रेस्ट में रखा हुआ है और मोशन में करता हुआ है तो उसकी एनर्जी, मोशन वाले की एनर्जी रेस्ट वाले की एनर्जी से ज्यादा होती है, ठीक है। तो सब मैंने आपको डिटेल समझा रखी है, आप उस लेक्चर को फॉलो कर सकते हैं। तो Vp इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर अपॉन ये आपका m इंटू, आपने पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी ली है u ली है, तो m इंटू यू। तो इससे ये निकल के आ रहा है कि Vp जो वेव के साथ एसोसिएटेड वेलोसिटी है वो इज इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन यू के इक्वल है। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या फ्रेंड्स, आप बताइए कि वेव तो चल रही है Vp वेलोसिटी से जिसकी वेलोसिटी कितनी है सी स्क्वायर अपॉन यू के इक्वल, पार्टिकल पीछे रह गया है वेव आगे चली गई है, ऐसा तो नहीं, पार्टिकल के साथ साथ ही तो वेव चलनी चाहिए। तो इसीलिए इस वाले हाइपोथेसिस को डिस्कार्ड कर दिया गया कि पार्टिकल के साथ मोनोक्रोमेटिक वेव एसोसिएट रहती है। तो किस तरह की वेव एसोसिएट रहती है, स्लाइटली डिफरेंट वेवलेंथ, स्लाइटली डिफरेंट फ्रिक्वेंसी की बहुत सारी वेव। उसमें भी मैंने आपको बताया कि अगर कम नंबर ऑफ वेव्स हैं तो कम नंबर ऑफ वेव्स होती हैं, दैट मीन्स डेल्टा के लेस होता है तो पोजीशन अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है, और अगर ज्यादा नंबर ऑफ वेव हैं तो ये, यानी कि इस इन दोनों में ये पार्टिकल बिहेवियर शो करता है जब डेल्टा एक्स लेस होता है, और ये वेव बिहेवियर शो करता है, यानी कि जब पार्टिकल वेव बिहेवियर शो करता है तब उसके साथ एसोसिएटेड वेव कम होती है, ठीक है। तो ये कंक्लूजन आपने निकाल लिया। अब इसके बाद हम ये बताते हैं कि अगर हम ज्यादा नंबर ऑफ वेव एसोसिएटेड मान लेते हैं तब क्या पार्टिकल की वेलोसिटी वेव वेलोसिटी के इक्वल होती है, तो ये प्रूव करके दिखाएंगे अब, क्योंकि यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया कि वीपी मोनोक्रोमेटिक वेव तो नहीं होती। तो आपने मान लिया कि एक पार्टिकल है इसके साथ एसोसिएटेड बहुत सारी वेव है, तो आपने कहा इसका जो वीजी होगा वो डी ओमेगा अपॉन डी के इक्वल होता है। ये भी हमने प्रूव किया था पिछले लेक्चर में, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन में देखा था कि जो आपका अगर दो या दो से ज्यादा वेव एसोसिएट रहती है और वो जो सुपर इम्पोज करती है तो उनकी वेलोसिटी
डी ओमेगा अपॉन डी के से दी जाती है अगर आपकी जो वेव्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में थोड़ा थोड़ा सा अंतर होता है तब उस कंडीशन में, अगर सेम रहेगी तो फिर ये जीरो जाएगी टर्म, ठीक है ना। तो अगर वेवलेंथ में अंतर है, डिफरेंस है, तब उस कंडीशन में ग्रुप वेलोसिटी ये दी जाती है। ये ग्रुप वेलोसिटी पार्टिकल की वेलोसिटी के इक्वल है कि नहीं, अब हम ये प्रूव करें। तो देखिए हमें पता है कि फेज वेलोसिटी vp इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन k के इक्वल होती है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, ओमेगा को vp इंटू k लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये हमें पता है। ये पार्टिकल एक सिंगल पार्टिकल की वेलोसिटी है के साथ एसोसिएट वेव की वेलोसिटी है और ये ग्रुप की है, तो हम क्या करेंगे d अपॉन डी के ऑफ ओमेगा की वैल्यू रखते हैं vp ऑफ k, और अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे vp प्लस k d vp अपॉन डी के, ठीक है। एक बार हमने vp को छोड़ दिया ये और ये कर दिया, हम इसमें ये ध्यान रख रहे हैं ये vp k के रेस्पेक्ट में उस कंडीशन में डिफरेंशिएट होगा, ये कांस्टेंट तब नहीं होगा जब v ओमेगा और k एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी ओमेगा इज अ फंक्शन ऑफ के, यानी कि डिस्पर्सिव मीडियम है, ठीक है। नॉन डिस्पर्सिव मीडियम में, नॉन डिस्पर्सिव मीडियम आपको पता है ना फ्रेंड्स, ये डिस्पर्सिव और नॉन डिस्पर्सिव मीडियम क्या होता है, जैसे आपका प्रिज्म होता है, प्रिज्म आपका डिस्पर्सिव मीडियम है, उसमें क्या होता है वेव डिफरेंट, आपकी वाइट लाइट आपने डाली तो डिफरेंट वेव डिफरेंट वेलोसिटी से चलती हैं, तो उसमें अगर मीडियम डिस्पर्सिव है तो अलग अलग कलर की वेवलेंथ जो होगी, वेव होगी, वो अलग अलग वेलोसिटी से चलती है, और यही रीजन है कि वाइट लाइट प्रिज्म से पास होने के बाद डिफरेंट डिफरेंट कलर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो अगर आपका मीडियम डिस्पर्सिव है तब ओमेगा के का फंक्शन होता है, अगर नॉन डिस्पर्सिव मीडियम है तो ओमेगा के का फंक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि ये केस है डिस्पर्सिव, अगर डिस्पर्सिव ले रहे हो तब उस कंडीशन में इसे कंसिडर करना पड़ेगा, और अगर आप नॉन डिस्पर्सिव ले रहे हो तब उस कंडीशन में ये वैल्यू जीरो जाएगी और vg इज इक्वल टू vp के हो जाएगा। तो फॉर नॉन डिस्पर्सिव मीडियम vg इज इक्वल टू vp, और यही तो हमें प्रूव करना था, अगर हमारे पार्टिकल के साथ बहुत सारी वेव एसोसिएटेड है तो उनकी ग्रुप वेलोसिटी से फेज वेलोसिटी के इक्वल होती है, यानी कि पार्टिकल के साथ ही चलती है वेव, जैसे जैसे पार्टिकल की वेलोसिटी है वही वेव की वेलोसिटी रहेगी, ठीक है। और ये ध्यान रखना है ये कंडीशन कब आई है, जब नॉन डिस्पर्सिव मीडियम था, अगर डिस्पर्सिव मीडियम रहता है डिस्पर्सिव तब उस कंडीशन में हमें इसे कंसीडर करना पड़ेगा, vg इज इक्वल टू vp प्लस, अब इसे हम लिखेंगे 2 पाई अपॉन लैम्डा लिख सकते हैं, और डी वीपी इसे हम डी अपॉन डी के को हम क्या करेंगे 2 पाई अपॉन लैम्डा कर दीजिए। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स तो ये आ जाएगा vp, vg इज इक्वल टू vp माइनस 1 अपॉन लैम्डा, सॉरी लैम्डा डी vp अपॉन डी लैम्डा। देखिए इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 2 पाई अपॉन लैम्डा, 2 पाई तो यहाँ से कट जाएगा, इसमें नीचे की तरफ है, और इसे ये 1 अपॉन लैम्डा करेंगे तो माइनस लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा, एक लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, एक लैम्डा ऊपर आ जाएगा, माइनस साइन के साथ आएगा क्योंकि अब डिनोमिनेटर में है, तो आपका vg इज इक्वल टू ये आ गया है, ये आपका आ गया है डिस्पर्सिव मीडियम में। तो अब हम इसको फाइनली देखते हैं कि ये क्या हो जाएगा इसके रिजल्ट, ठीक है, बहुत ध्यान से देखने हैं ये, मैं आपको एकदम डिफरेंट चीज बताना चाह रही हूँ। देखिए इसको हटाते हैं हम, देखिए फ्रेंड्स आपको मैंने बताया कि जो फेज वेलोसिटी होती है वो डिफरेंट डिफरेंट जो वेव है उनकी वेलोसिटी है, वो फेज वेलोसिटी हो गई, ओमेगा अपॉन के से ये निकाली जाती है, तो अगर न्यूमेरिकल में आए तो फेज वेलोसिटी आप ऐसे निकालेंगे, ग्रुप वेलोसिटी अगर आपको निकालनी है तो आप डी ओमेगा अपॉन डी के से निकालेंगे, ठीक है। और अगर आपके पास दो मीडियम हैं, एक डिस्पर्सिव मीडियम है और नॉन डिस्पर्सिव मीडियम है, अभी बताती हूँ मैं डिस्पर्सिव ढंग से अच्छे से बताती हूँ कि क्या होता है। देखिए अगर डिस्पर्सिव मीडियम है तो उसके लिए हमने भी बताया कि vg इज इक्वल टू v, यानी कि पार्टिकल की वेलोसिटी के इक्वल होता है, ठीक है, यानी जो ग्रुप है जो आपका कई सारी वेव्स के कॉम्बिनेशन से आपका एक वेव पैकेट बना है, वो वेव पैकेट की वेलोसिटी पार्टिकल की वेलोसिटी के इक्वल होती है जब
मीडियम नॉन डिस्पर्सिव होता है. लेकिन अगर मीडियम डिस्पर्सिव होता है तब भी आपके पास दो कंडीशन होती है, एक तो होता है नॉर्मल डिस्पर्सिव मीडियम और एक होता है एनोमलस डिस्पर्सिव मीडियम. तो नॉर्मल डिस्पर्सिव मीडियम में वी जी इज लेस देन वी, पार्टिकल की वेलोसिटी से कम होता है. ये आपने वी मान लो या यू, इसे वी मान लेते हैं, और वी पी से मैंने आपको फेज वेलोसिटी डिनोट किया है. और अगर एनोमलस है तो वी जी इज ग्रेटर देन वी. ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको कि जो ग्रुप वेलोसिटी है वो पार्टिकल की वेलोसिटी से ज़्यादा भी हो सकती है, इक्वल भी हो सकती है और कम भी हो सकती है. Vg इज इक्वल टू V भी हो सकती है, Vg लेस देन V भी हो सकती है, Vg ग्रेटर देन V भी हो सकती है. यानी ये जो आपका वेव पैकेट है वो इस कंडीशन में चलता है, वो डिपेंड करता है आपका मीडियम नॉन डिस्पर्सिव है या डिस्पर्सिव है. देखिए नॉन डिस्पर्सिव का मतलब क्या हुआ, डिस्पर्सिव मीडियम का मतलब ये हुआ कि अगर कोई आपकी वेव है, कोई भी सिंगल वेवलेंथ लैम्डा की वेव है, तो उसकी वेलोसिटी मान लिया वी है. और अगर आपके पास, ये तो मोनोक्रोमेटिक की बात हो गई, आपके पास दो वेव हैं जिनकी डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ है, इन दोनों वेवलेंथ, क्योंकि वेवलेंथ डिफरेंस है, डिफरेंट है इन दोनों वेव की, तो इनकी वेलोसिटी भी डिफरेंट होती है डिस्पर्सिव मीडियम में. ठीक है, वो डिपेंड करती है कि डिस्पर्सिव मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है. तो जैसे ही वेव वेलोसिटी डिफरेंट हो जाती है तो वो सारी वेव डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी से उस मीडियम में चलने लगती है. लेकिन अगर नॉन डिस्पर्सिव मीडियम है तो सारी वेव, कॉम्बिनेशन ऑफ वेव जो होता है वो सारा सेम वेलोसिटी से चलता है. और मैंने अभी आपको बताया कि जो वेव पैकेट है, वेव पैकेट इन द केस ऑफ मैटर वेव, आपको अभी और ऑप्टिक्स की ऑप्टिक्स इसमें बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ रहे हैं, आप ये पढ़ रहे हैं कि अगर एक मैटर के साथ मोनोक्रोमेटिक वेव एसोशिएट है तो उसकी वेलोसिटी वी पी इज इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन वी से दी जाती है. यानी कि अगर मोनोक्रोमेटिक वेव है तो वो बहुत तेजी से चलती है पार्टिकल के कंपैरिजन में. ठीक है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हमने ये कॉन्सेप्ट बनाया था कि किसी भी पार्टिकल के साथ बहुत सारी वेव एसोशिएट रहती है, इनकी स्लाइटली डिफरेंट फ्रिक्वेंसी और स्लाइटली डिफरेंट वेवलेंथ होती है. ठीक है, तो अगर वेवलेंथ डिफरेंट है तो अगर डिस्पर्सिव मीडियम से ये पास हो रहा है वेव पैकेट, तो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की वेलोसिटी भी डिफरेंट हो जाएगी. तो उसकी वजह से जो वेव पैकेट है आपका, या तो ब्रॉड हो जाएगा, ठीक है, किसी कंडीशन में, या कभी कॉम्पैक्ट हो जाएगा, कभी ब्रॉड कभी कॉम्पैक्ट, क्योंकि आपका मीडियम डिस्पर्सिव हो गया है. अब डिस्पर्सिव मीडियम भी दो तरह का होता है, एक तो नॉर्मल होता है और एक एनोमलस होता है. देखिए नॉर्मल डिस्पर्सिव मीडियम के बारे में हम बात करें, एक ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वी जी इज इक्वल टू वी पी माइनस लैम्डा डी वी पी अपॉन डी लैम्डा. तो ये भी आपको ध्यान रखना है, अगर न्यूमेरिकल में आपके पास वी पी दे रखा है और वी जी पूछा है तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले को यूज कर लीजिए. ये निकालना मैंने अभी बताया ही था आपको, और आप इस फॉर्मूले की हेल्प से वी जी की वैल्यू निकाल सकते हैं. तो वी पी हमेशा आपको लैम्डा वगैरह के टर्म्स में दिया हुआ होगा, जैसे के लैम्डा k माइनस वन और k कांस्टेंट है, तो आप इसको विद रेस्पेक्ट टू लैम्डा डिफरेंशिएट करेंगे और vg की वैल्यू निकल जाएगी. तो ये तो अलग से फॉर्मूला है vg को कैलकुलेट करने का. अब हम बात कर रहे हैं जो हमने नॉर्मल डिस्पर्सिव मीडियम और एनोमलस में था, तो नॉर्मल डिस्पर्सिव मीडियम, देखिए फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें ना जो डिस्पर्सिव मीडियम की प्रॉपर्टीज़ हैं कि नॉर्मल है, एनोमलस है या नॉन डिस्पर्सिव है, तो डिस्पर्सिव मीडियम की जो प्रॉपर्टीज़ है वो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में यूज़ होती है, तो वो तो एक अलग टॉपिक हो गया. ठीक है, उसको तो हम अभी नहीं डिस्कस कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि अगर आपका डिस्पर्सिव मीडियम है और नॉर्मल है तब जो ग्रुप वेलोसिटी है वो लेस देन पार्टिकल वेलोसिटी हो रही है. तो क्यों हो रही है, क्योंकि आपके पास अगर नॉन डिस्पर्सिव मीडियम है तो आपका जो वेव पैकेट है वो कैसा बनाया था मैंने, याद है आपको, पहले कम बढ़ता चला गया, फिर बढ़ता चला गया, फिर कम होता चला गया. ठीक है, ऐसे. लेकिन इनके बीच का जो सेपरेशन है ये, या आप कह सकते हैं ये टाइम है और ये एम्पलीट्यूड है, तो ये जो फ्रीक्वेंसी है ये हर जगह इक्वल हुई, भले ही एम्पलीट्यूड धीरे धीरे करके डीके होता चला गया है लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम ही है. तो नॉन डिस्पर्सिव मीडियम में क्योंकि सारी वेव्स सेम वेलोसिटी से चलती हैं उस मीडियम में, तो इसीलिए
ये इस तरह का ग्रुप होता है। लेकिन अगर नॉर्मल डिस्पर्सिव मीडियम है तब उस कंडीशन में जो हायर फ्रीक्वेंसी की वेव होती हैं उनकी वेलोसिटी लो हो जाती है। ध्यान से सुनिए, जो हायर फ्रीक्वेंसी की वेव्स हैं, क्योंकि बहुत सारी वेव्स हैं, ठीक है, उनके सुपरपोजिशन से वेव पैकेट बन रहा है, तो उसमें स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की वेव हैं। तो जो हायर वाले पोर्शन की हो गई, आपने कहा कि कम बहुत सारी फ्रीक्वेंसी की है ना, कुछ कम की होगी कुछ ज़्यादा की होगी, तो जो हायर फ्रीक्वेंसी की वेव्स हैं उनकी वेलोसिटी कम हो जाती है। ठीक है, अब बात समझ रहे हैं आप। तो हमारा जो वेव ग्रुप नॉर्मल डिस्पर्सिव मीडियम में बनता है वो आपका ऐसे बनता है कि ये मान लिया डिस्टेंस इतनी है, होगा तो इसी तरीके से, और यहाँ पे एम्पलीट्यूड, उसके बाद ही फ्रीक्वेंसी होती चली जाती है और ये पास पास आती चली जाती है। अगर आप इसको ऐसे बताएं तो ऐसे बहुत पास पास आ गई हैं। अब ये देखिए, ये वाले डिस्टेंस अलग है, ये पास पास आ गई हैं। यानी कि अगर हम विब क्योर पैटर्न करें, विब्योर पैटर्न तो आपको पता है ना, अगर विजिबल रेंज की लाइट है और उनकी वेवलेंथ की बात करें तो उसमें हाई फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, वायलेट कलर की होती है, तो उसकी जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। हायर फ्रीक्वेंसी वायलेट कलर की होती है, आपको ध्यान रखना चाहिए कि E इज इक्वल टू एच न्यू, और आपको पता है अल्ट्रा वायलेट रीजन की जो एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है। दैट मीन्स कि वायलेट कलर की जो एनर्जी है वो ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा है, तो हायर फ्रीक्वेंसी की है ये। और मैंने आपको बताया कि नॉर्मल डिस्पर्सिव मीडियम में हायर फ्रीक्वेंसी वाली वेव्स की जो वेलोसिटी है वो लो होती चली जाती है, इसीलिए इस कंडीशन में ग्रुप वेलोसिटी ऑफ रेड कलर ग्रेटर देन होगी ग्रुप वेलोसिटी ऑफ वायलेट कलर। बात समझ रहे हैं, क्योंकि हायर फ्रीक्वेंसी की है तो उसकी वेलोसिटी कम हो गई है रेड के कंपैरिजन में। तो आप इस तरह का अगर इसमें फिगर बनाएं तो यहाँ पे लोअर फ्रीक्वेंसी लोअर वेलोसिटी वाली इधर है, इसको फ्रेंड बोलते हैं चिप। आपने चिप का मतलब समझते हो, जैसे चिड़िया ची 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 करती है, तो चिप में क्या होता है कि आपको यूनिफॉर्म साउंड नहीं सुनाई देगी। अगर आप साउंड वेव की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको यूनिफॉर्म साउंड सुनाई देगी पूरे रीजन में, लेकिन अगर आप इसकी बात कर रहे हैं तो आपको यूनिफॉर्म साउंड नहीं सुनाई देगी। पहले कम साउंड और फिर फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है तो तेज साउंड, लोअर से जैसे कोई बी पे तो बढ़ रही है फ्रीक्वेंसी, तो दैट मीन्स कि इसमें जो चिप है वो आपकी हायर है, बढ़ती चली जा रही है। तो ये आपका नॉर्मल डिस्पर्सिव मीडियम में जो वेव्स हैं वो इस तरह का बिहेव करती हैं, तो वेव पैकेट इस तरह का होगा जो मैटर वेव के साथ एसोशिएट है। और अगर आप एनोमलस की बात करें डिस्पर्सिव मीडियम, तो उसमें क्या होता है, वीजी फॉर रेड इज लेस देन वीजी फॉर ब्लू, तो आपकी शुरू में फ्रीक्वेंसी बढ़ी है, ज्यादा है पास पास है, उसके बाद ये दूर दूर होती चली जाती है। तो इसमें आपका बीप की आवाज पहले तेज थी, उसके बाद कम होती चली गई है। तो इस तरीके से ये वेव ग्रुप बिहेव करता है, ये या वेव पैकेट जो मैटर के साथ एसोशिएट है, ये तो हमने साउंड की टर्म्स में आपको समझा दिया, लेकिन जो ये वेव पैकेट है इस तरह का बिहेव करता है नॉर्मल में, एनोमलस में और नॉन डिस्पर्सिव मीडियम में। तो ये चीज़ आपको एकदम क्लियर है। तो आपके पास अगर क्वेश्चन आता है कि ग्रुप वेलोसिटी और पार्टिकल वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन है, तो आप डिस्पर्सिव और नॉन डिस्पर्सिव का ये ध्यान रखिएगा कि किस में ज़्यादा होती है, किस में कम होती है, किस में इक्वल होती है, उसका रीज़न भी आपको पता होना चाहिए। तो आपको ये एकदम क्लियर है। इसके बाद हम ग्रुप वेलोसिटी के बारे में एक और बात करते हैं कि अगर ये आपने निकाल लिया ग्रुप वेलोसिटी फॉर नॉन डिस्पर्सिव एंड डिस्पर्सिव मीडियम, ठीक है, आपने ये देख लिया कि नॉन डिस्पर्सिव मीडियम में जो वेव पैकेट है वो तो पार्टिकल की स्पीड से ही चलेगा, लेकिन नॉन डिस्पर्सिव मीडियम में वो अलग बिहेव भी कर सकता है। और मैंने आपको बता दिया कि वेव पैकेट में किस तरीके से फेज वेलोसिटी चलेगी, उसमें तेजी से चलेंगी, जैसे आपने चेप बोला है तो उसके केस में। अभी हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास वीपी का फॉर्मूला है ओमेगा अपॉन के, या हम कह सकते हैं E अपॉन P, क्योंकि H क्रॉस से अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो H क्रॉस ओमेगा E होता है, H क्रॉस K P होता है। और हमें पता है D
सॉरी वी जी इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी के, क्योंकि पिछले लेक्चर में मैंने आपको समझा दिया था कि वी जी इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी के क्यों होता है, जब स्लाइटली डिफरेंट फ्रिक्वेंसी की और डिफरेंट वेवलेंथ की वेव जब सुपर इम्पोज होती है तो जो उसमें वेव पैकेट बनता है और उस वेव पैकेट की जो वेलोसिटी होती है वो डी ओमेगा अपॉन डी के होती है। अब हमारे पास सेकेंड कंडीशन है कि आपका जो वेव है वो रिलेटिविस्टिक है ये वेव पैकेट या फिर नॉन रिलेटिविस्टिक कंडीशन में पार्टिकल सॉरी। अब सेकेंड कंडीशन बनती है कि अगर आपका पार्टिकल की स्पीड रिलेटिविस्टिक है या नॉन रिलेटिविस्टिक है, तो आपने स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी वैसे अच्छे से पढ़ा होगा, अगर नहीं भी पढ़ा है तो फ्रेंड्स उसको ध्यान से समझ लीजिए, थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट में इसमें बता दूंगी आपको। तो एक तो कंडीशन होती है रिलेटिविस्टिक की और एक कंडीशन होती है नॉन रिलेटिविस्टिक। आपको पता है कि नॉन रिलेटिविस्टिक की, तो आपको पता है कि नॉन रिलेटिविस्टिक में v जो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल होती है वो बहुत कम होती है c से, जब पार्टिकल की स्पीड वेलोसिटी ऑफ लाइट से बहुत कम होती है तब उस कंडीशन में आप कहते हैं कि ये नॉन रिलेटिविस्टिक कंडीशन है। जब v कंपेरेबल टू c होती है, यानी कि कंपेरेबल का मतलब है इक्वल तो हो ही नहीं सकती है, इक्वल क्यों नहीं हो सकती वो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से आपको पता है, मैं दो मिनट का और बता देती हूँ आपको। आपको पता है आइंस्टीन की एनर्जी मास इक्वेशन से e इज इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर होता है, दैट मीन्स कि अगर कोई पार्टिकल रेस्ट में है और उसका मास एम नॉट है, ठीक है, तो उसके जो मैटर है मैटर कंटेंट है, आप वेट की बात नहीं कर रहे हैं, हम मास की बात कर रहे हैं, तो उसका जो मास है या उसका कंटेंट है जितना, तो उसे अगर सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इतनी एनर्जी उसके अंदर है, यानी अगर आप उसको बर्न कर दे पूरा एम नॉट मास को तो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, इतनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी। लेकिन अगर पार्टिकल मूव करना शुरू कर देता है तो पार्टिकल की मास बढ़ना शुरू हो जाता है, और जब इसकी रिलेटिविस्टिक कंडीशन की बात करें तो मास इक्वल टू एम इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन दिस हो जाता है, ये तो आपको पता ही है। इसमें भी ध्यान रखना है वेलोसिटी कुछ भी हो तब भी मास बढ़ेगा, लेकिन क्या होता है कि कम वेलोसिटीज पर जो बढ़ा हुआ मास है वो आपको फील नहीं होता क्योंकि बहुत कम बढ़ता है। लेकिन हाँ, अगर v कंपेरेबल टू c हो जाए, या आप ये मान के जब v कंपेरेबल टू c हो जाता है तब उस कंडीशन में मास का जो इंक्रीमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो वो मैंने स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी में आपको प्रूव भी करके दिखाया था कि अगर v कंपेरेबल टू c है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर v इज इक्वल टू c के हो जाता है, मतलब कंपेरेबल टू c हो जाता है, तो यहाँ तक भी हो जाता है कि मास ऑफ द पार्टिकल टू ऑफ m नॉट की इक्वल हो जाती है, ये इससे ग्रेटर भी हो जाता है, तो यानी कि मास बढ़ता चला जाता है, मास बढ़ता चला जाता है तो उसकी एनर्जी भी बढ़ती चली जाती है। और ये भी मैंने, तब उस कंडीशन में एम सी स्क्वायर दिया जाएगा, मास बढ़ा हुआ है तो एनर्जी भी बढ़ी हुई है, ये भी मैंने आपको अच्छे से समझा रखा है, क्योंकि आप उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो, क्योंकि आप बढ़ा रहे हो उसकी स्पीड तो काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो, तो वो एनर्जी भी इसमें ऐड हो जाती है, और इसीलिए मास इंक्रीज हो जाता है या फिर उसकी एनर्जी भी इंक्रीज हो जाती है। तो ये सब रिलेटिविस्टिक थ्योरी में आपको पता है कि जब v इज कंपेरेबल टू c होता है तो ये कंडीशन होती है। तो हमें ये पता है कि ये रेस्ट मास एनर्जी है और ये है, तो रिलेटिविस्टिक थ्योरी में आप ये लेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं नॉन रिलेटिविस्टिक कंडीशन में, नॉन रिलेटिविस्टिक कंडीशन में आप ये मान के चलते हो कि m नॉट जो है वो m के इक्वल है, यानी वेलोसिटी अगर लोअर है तो बहुत कम मास में इंक्रीज हो जाता है ना, इसीलिए हम उसको m के इक्वल ही ले लेते हैं, उसमें चेंज नहीं मानते। लेकिन कंडीशन कब लगती है, जब रेस्ट मास एनर्जी की वैल्यू लेस देन एम सी स्क्वायर होती है, वेरी वेरी लेस देन एम सी स्क्वायर होती है, तब उस कंडीशन में आप कहते हो कि रिलेटिविस्टिक कंडीशन लगेगी, यानी कि अपने पार्टिकल को अगर एक्सीलरेट किया और मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी थी। अगर आप इलेक्ट्रॉन के केस की बात कर रहे हैं, हम ये अभी डिस्कस करेंगे क्योंकि न्यूमेरिकल के लिए आपको ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स के ये पॉइंट रहता है कि हम रिलेटिविस्टिक कंडीशन कब लगाएं पार्टिकल पे, नॉन रिलेटिविस्टिक कब लगाएं। तो हमें क्या है, मान लो इलेक्ट्रॉन के लिए हम एम नॉट सी स्क्वायर निकालें, रेस्ट मास से सी स्क्वायर की मल्टीप्लाई करें, तो ये लगभग 0.51 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। तो अगर हम इससे ज़्यादा एनर्जी देते हैं पार्टिकल को,
0.51 से, यानी अगर मन 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तब हम रिलेटिविस्टिक कंडीशन लगाते हैं, और ग्रुप वेलोसिटी निकालनी होती है तो रिलेटिविस्टिक कंडीशन से निकालेंगे। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देते हैं, मान लिया 10,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये ध्यान रखना ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो ये 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू होगा 10^6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो उससे तो बहुत कम है ना। तो अगर आपने 10,000 या 20,000 या इतनी भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे दी तब भी हम नॉन रिलेटिविस्टिक कंडीशन ही लगाएंगे। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर है कि हमें कहाँ रिलेटिविस्टिक लगाना है, कहाँ नॉन रिलेटिविस्टिक। तो ये ध्यान रखना है कि एग्जांपल मैंने इलेक्ट्रॉन के लिया है, इलेक्ट्रॉन की रेस्टमास एनर्जी निकाली है, प्रोटॉन की रेस्टमास एनर्जी इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होती है तो उससे कंपेयर करेंगे कि हमें कहाँ लगाना है। न्यूट्रॉन भी भारी होता है, ठीक है, तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन का रेस्टमास कितना होता है 9.1 × 10^-27 किलोग्राम, लेकिन प्रोटॉन का मास इससे कम होता है, -31 किलोग्राम होता है और प्रोटॉन का मास से ज्यादा होता है। तो हमने कहा कि हम नॉन रिलेटिविस्टिक कंडीशन में ग्रुप वेलोसिटी को निकालना चाह रहे हैं तो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हमें क्या चाहिएगा, ओमेगा चाहिएगा और के चाहिएगा, क्योंकि हमें वीजी इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी के पता है। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, ई अपॉन एच क्रॉस, के इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है ना P इज इक्वल टू एच क्रॉस के, तो P अपॉन एच क्रॉस, और हमें पता है हम नॉन रिलेटिविस्टिक कंडीशन लगा रहे हैं तो P इज इक्वल टू एम वी ले लेंगे, और ये क्या ले लेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर, E इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, नॉन रिलेटिविस्टिक कंडीशन है ना सारी। अब हमें पता है कि हम ओमेगा V के टर्म में है, K भी V के टर्म में है, लेकिन हमें डी ओमेगा अपॉन डी के निकालना है, तो हम क्या करेंगे, डी ओमेगा को डी वी से डिवाइड करेंगे और डी के को भी डी वी से डिवाइड करेंगे, तो उससे क्या आ जाएगा, डी ओमेगा अपॉन डी वी आ जाएगा। तो डी ओमेगा अपॉन डी वी कैसे निकालेंगे, एम वी अपॉन टू एच क्रॉस, और अगर हम डी के अपॉन डी वी निकालें तो क्या आ जाएगा, एथ वी अपॉन एच क्रॉस अपॉन एच क्रॉस, और ये तो आपने निकाला कि ग्रुप वेलोसिटी जो है वो वी के इक्वल निकल के आ रही है फॉर नॉन रिलेटिविस्टिक कंडीशन। तो हम यहाँ पे इसको नोट कर लेते हैं कि क्योंकि इसको हटाना पड़ेगा हमें, तो फॉर नॉन रिलेटिविस्टिक के लिए वी जी इज इक्वल टू वी, यानी पार्टिकल की वेलोसिटी के इक्वल निकल के आ रही है। फ्रेंड्स, रिलेटिविस्टिक कंडीशन की अब बात करें, एक चीज ध्यान रखनी है यहाँ पे, ये जो आपकी एनर्जी होती है ये आपकी काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि अभी अभी ने फॉर्मूला भी लिखा है ना कि काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हमारा फ्री पार्टिकल है उसके लिए निकाल रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी एनर्जी होगी। तो अब हम काइनेटिक एनर्जी इन रिलेटिविस्टिक कंडीशन अगर करें तो एम माइनस एम नॉट सी स्क्वायर होती है, तो इसे हम लिखते हैं गामा एम नॉट माइनस एम नॉट सी स्क्वायर। तो ये ध्यान रखा है एम नॉट रेस्ट मास है, और एम नॉट अपॉन 1 - V² अपॉन सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर, ये तो E की वैल्यू निकल के आ गई है। अगर E अपॉन H क्रॉस करें तो आपको ओमेगा मिल जाएगा, ऐसे ही अगर मोमेंटम सॉरी आपको वेव वेक्टर निकालना है तो P अपॉन H क्रॉस हो जाएगा, और P आपका एम वी अपॉन H क्रॉस हो जाएगा, और M आपका एम नॉट अपॉन 1 - V² अपॉन सी स्क्वायर इंटू वी हो जाएगा। तो आपको K भी पता चल गया है, ओमेगा भी पता चल गया है, V के टर्म्स में है तो आप इसमें वही डी ओमेगा अपॉन डी के करेंगे, तो डी ओमेगा अपॉन डी वी अपॉन डी के अपॉन डी वी करेंगे, और उससे फाइनली निकाल लेंगे कि ग्रुप वेलोसिटी की वैल्यू फॉर रिलेटिविस्टिक कंडीशन क्या होगी। फ्रेंड्स, इसको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करने के बाद आपका वी जी इज इक्वल टू वी के ही निकल के आता है, यानी अगर रिलेटिविस्टिक है पार्टिकल या नॉन रिलेटिविस्टिक है, दोनों कंडीशन में ग्रुप वेलोसिटी पार्टिकल की वेलोसिटी के इक्वल ही निकल के आ रही है, और अगर नॉन डिस्पर्सिव मीडियम है तो भी ग्रुप वेलोसिटी पार्टिकल की वेलोसिटी के इक्वल निकल के आ रही है, बस सिर्फ जो वेव पैकेट है उसकी वेलोसिटी डिस्पर्सिव मीडियम में डिफरेंट होगी, उसमें भी नॉर्मल एनालोमस इन दोनों में अलग अलग होगी। तो ये चीज़ आपको एकदम क्लियर है कि ग्रुप को वेलोसिटी को ही कंसिडर करना चाहिए, दैट मीन्स कि पार्टिकल के साथ एक सिंगल वेव एसोसिएट नहीं रहती है, उसके साथ एक पार्ट ग्रुप वेव्स का ग्रुप एसोसिएट रहता है जिसकी वेलोसिटी पार्टिकल की वेलोसिटी के इक्वल होती है, चाहे मीडियम डिस्पर्स नॉन डिस्पर्सिव मीडियम में, चाहे पार्टिकल
रिलेटिविस्टिक है चाहे पार्टिकल नॉन रिलेटिविस्टिक है। इसमें आप साथ के साथ वीपी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। नॉन रिलेटिविस्टिक कंडीशन में अगर आप वीपी की वैल्यू निकालेंगे जो अभी आपने निकाला था, तो उसमें ओमेगा अपॉन के से निकालेंगे और आपका ओमेगा इज इक्वल टू ई अपॉन पी था और ये आपका हाफ एम वी स्क्वायर था और ये आपका एम वी था। तो आपने देखा कि v से v कट गया, m से m, यानी कि फेज वेलोसिटी v अपॉन पार्टिकल की वेलोसिटी अपॉन 2 हो जाएगी इन केस ऑफ नॉन रिलेटिविस्टिक कंडीशन। अगर रिलेटिविस्टिक कंडीशन की बात करें तब vp इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे अगर, तो आप देखेंगे कि vp इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन k था, ओमेगा भी आपने निकाल रखा है, k भी निकाल रखा है, इन दोनों को आपने डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड करने के बाद vp आपका c स्क्वायर अपॉन v 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन 2c स्क्वायर इनटू इतना आता है, ठीक है, vp फॉर रिलेटिविस्टिक कंडीशन। तो ये आप निकाल लेना जब आप इसे डिवाइड करोगे। और इसमें भी आप देख लेना कि अगर नॉन रिलेटिविस्टिक कंडीशन है तो आपने कहा कि v इज़ वेरी वेरी लेस देन c है, तब उस कंडीशन को रखने के बाद vp इज इक्वल टू v बाई 2 के इक्वली निकल के आ रहा है, जो कि हम सिंपली नॉन रिलेटिविस्टिक कंडीशन में निकाल के दिखा रहे हैं। ठीक है, एकदम क्लियर है? अभी मैं टैबुलेट करूँगी इसको, उससे आपको पता चल जाएगा किस कंडीशन में क्या हो। लेकिन फ्रेंड्स टैबुलेट करूंगी मैं नेक्स्ट लेक्चर में, उसके बाद हम और चीज़ें पढ़ेंगे, लेकिन ये लेक्चर की लेंथ बहुत बढ़ जाती है, इसीलिए मैं ये टॉपिक यहीं